नमस्कार, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.2 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथी। रजौरी के बाजीमार में हुई मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए सेना के दो कप्तान समेत पांच बलिदानियों को शुक्रवार को जम्मू के सैन्य अस्पताल में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश पुलिस के डीजीपी आरआर सिंह समेत थल सेना और वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने बहादुर सैनिकों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन किया। रजौरी मुठभेड़ में बलिदानी होने वालों में दो उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड, एक जम्मू कश्मीर व एक कर्नाटका के जवान हैं। इनमें 63 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन एमवी प्राजल, नौपैरा के कैप्टन शुभम गुप्ता, नौपैरा के हवलदार कमांडो अब्दुल माजिद, लांस अनायक संजय वरिष्ठ वे पैरा ट्रूपर सचिन लोल बलिदान हुए। कैप्टन एमवी प्राजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, लांस नायक संजय वरिष्ठ वे पैरा ट्रूपर सचिन लोल के पार्थिव शरीर को जम्मू में अंतिम सलामी दी। यहां से बलिदानियों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं नौपैरा के हवलदार कमांडो अब्दुल माजिद के पार्थिव शरीर को पुंछ में सेना के उच्च अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी। रजौरी में 28 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में सेना के पांच जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकी कारी समेत दो दहशतगर्दों को मार गिराया है। इस बीच मुठभेड़ में घायल एक अन्य जवान वीरवार को बलिदान हो गया। इस प्रकार से मुठभेड़ में दो कैप्टन समेत पांच जवानों ने बलिदान दिया। बुधवार को मुठभेड़ के दौरान दो कैप्टन समेत चार बलिदान हो गए थे। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।